के हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह फिर साथी नूं लै टुरे सुम्मा काल अली खरज तैला मिनान। फिर मैनू उस आदमियों का क्या हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ने भी तू मिना नूं गया फिर कुल तो ना। मैं क्या हाँ मिना गया। ऐसा खुतबा बिल्कुल सादा बंदा भी मैनू मिल के बाद आख्या हजूर सन से मालूम है हज उज असं एवें कर दे। दोस्त शिबली रहमतुल्लाह ने फरमाया किथे हो हज? अरे कोई ये नहीं भी जरूर मैं तुम हो ही जाना, सिर्फ ये भी दिलों से कोई तड़प से पैदा होनी चाहिए। थोड़ा बहुत तो उसे ख्याल करिए, लिखवा के रह जाइए, जिथे जिथे फिरिए उसे उन्होंने पढ़िए, मैं जर्रा भी नसीब हो जाए। फरमाया मैं आ गया क्या? हाँ। काला तमन्ना तार अल्लाह गैर अल्लाह थी असह तो फी हा। फरमाया जिन्हें हालत तू गुनाह करता रहा जिंदगी भर खुदा दियाँ नाफरमानियाँ कीतियाँ। मैं ना मीम नून ये तमन्ना ये निकलिया उत्थे तू तमन्ना की फिर चाया कि मेरा हाल बदल जाए तो हूँ मैं गां गुनाह ना करा तो नेक हो जा। ये तेरे दिल च उसे गल आई तमन्ना पैदा हुई यानी लफज तो ही कड़ी आते मिना तो तमन्ना एक ही है। फरमाया तमन्ना पैदा हुई दिल से आरज बरखाश उस पैदा हुई कि जेडे काम मैं अगे करता सी जिन्हें हालत मैं अगे गुनाह किए हूँ अल्लाह मेरे बदल दे मैं ना वो बुरे काम करा नेक हो जा। कुल तो ला मैं क्या मैनू तो ख्याल भी नहीं आया गए उत्थे रहे हैं बस काला मा खरज तैला मैंने। फरमाया फिर मैं ना तू कि गया तेनों तो पता ही ना लगा मैं ना की है इतने की मैं सोचना। सुम काल अली दखल तो मस्जिद अल खैफ। फरमाया फिर जी मस्जिद खैफ है उत्थे उत्थे नमाज तू गया अंदर पहले जमरे के कोल ही। अरे अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाया सत्तर अंबिया अलैहि सलाम ने नमाज पढ़ी जो हज किए इस मस्जिद नमाज पढ़ी और रसूला भी उत्थे डरा किया पहला जो कच्चा सी सैन उत्थे मनारा भी हुंदा सी यह जगह जिते हजूर का मसला हूँ तो खैर आली शान बन गई उस चीज़ा मिट गई। पर मैं मस्जिद खैफ गया कुल तो ना मैं क्या हाँ मस्जिद खैफ गया। पर मैं खौफ और खैफ इको जी शाया काल खिफ्त अल्लाह फी दखूल का वखरूज का वजता मिनल खौफ मारा तजुल्ला फी। पर मैं जो मस्जिद खैफ बढ़िया तो वढ़द्या और निकलद्या हो तेन अल्लाह का खौफ महसूस होया खौफ खुदा को ऐसा तारी होया जो अगे कि नहीं तेन नजर आऊंगा कंब गया डर गया खौफ की जगह से मसले सा को खौफ पैदा होया दखूल दे वक्त और खरूज दे और कोई ऐसा खौफ तू उस वक्त पाया जिहड़ा अगे नहीं कभी भी जिंदगी पाया उन्होंने उदा का तू नहीं डरिया और कंबिया नहीं। कुल तो ला कारा मा दखल का मसले खै मैं क्या मैंने तो यही गल कोई नहीं उस ख्याल से फरमाया कोई नहीं मसले खैफ गया तू सुम काल अली मदै तैला रफात। फिर फरमाया अरफात तू गया फिर उतों कुल तो नाम हाँ गया काला वकफता ब्या उत्थे फिर मैदान अरफात ठहरिया वकूफ किया कुल तो नाम हाँ ठहरे काला रफ्त लहाल लती खुलिक तम नजलिया वल हाल लती तुरी दुआ वल हाल लती तसीर लिया व रफ्त मर फल कहा दिला वाल व रैत मकान लदी लय इशारा पेन वी नफसल अनफास ही कुल हाल। फरमाया फिर अरफात जानना मारफत भी ये चो निकलिया एन रे फे पहचानना मारफत जब तू मैदान अरफात खड़ाया जा ना अरफात सी उत्थे तू फिर अपनी उस हालत में पहचान लिया जी तू पैदा हो जिस गल ही अल्लाह ने इस दुनिया तेन पैदा किया उस समझ आ गई कि मैं इस गर्ज इस दुनिया का तेरी तखलीक जो जुगायत है पैदाइश की जो गर्ज है जी मार्फत हासिल पहचानया उत्थे खड़ो के और उस हाल का भी तेन पता लगा जरा तू चाहना जिन्हें कम तू पता लगा यह भी पता लगा भी खुदा ने कद भी पैदा किया तो मैं किड़िया इरादे रखाशा ले फिरना और उस हाल की भी तेन खबर लगी जी तू मुंतकिल हो जाना इस तो बाद जो हाल हो जाना दुनिया छड़न दे कोई वह भी ख्याल आया कि एक हालत होर भी आनी है इस दुनिया छड़न तो बाद मैं वो मुंतकिल हो जाना और तू जरा इन्ह सारे अहवाल पहचान वाला है जोड़ा इन्ह चीज़ों की मार्फत देने वाला अल्लाह वह भी पता तेनों लगा कि सारिया गल् वह समझा सकता है वह मार्फत दे सकता तेनों जिन्हें पैदा किया जिद को जो कुछ तू मंगना वो दे सकता और जा मरण तो बाद जे हजूर तू जाके पेश होना जी हालत तेन फिर पेश ये सारिया चीज़ा वे कब्जे वह मुअर्रिफ ये सारिया शायद की शनाखत कराने वाला पहचान कराने कोई दिसया ही उस रब न तू पहचाणिया वरायत मकान लदिए लाए इशारात और अरफात के अंदर तेन उस जगह का पता लगा जी सारे इशारे दिना दीन च रमजा च इशारे आते नमाजा रोजा ये उंगलियां कि वालों उठ दी खुदा की तरफ को पहचान हो इन सारिया चीज़ों का की इशारा कि मालिक ने तू पहचाने फैन नो वरला दी नफसल पास ही कुल हाल क्योंकि हर हाल जो भी आ रहा है ना चौंके वो तरफों आ रहा है
सुख दुख हर हाल जो आ रहा कोई नहीं है दौरा हरा रहा सब खुदा को पता लगा उस जगह नूं पहचानिया अपनी शनाखत हुई रब नूं पहचानिया जिन्हें बनाया कुलपुला फरमाया कोई नहीं इन्हां चीज़ां नाल ध्यान ही नहीं किया बस कई उत्ते फोटो खिंचवाउंदे आ कोई पिकनिक मनाउंदे हुण खाण नूं बेचारा लभ जांदा इधर राह सैट रहा इधर सर मैं वेख्या लोग टुट टुट के पैन रहे सब बुरला एक एक बंदा कई कई बोचण डिया यानी अपने हिस्से तो बस बोतलां फड़ लो खाण पीण दी पई शैतान ही हर जगह से गालिब है काला माह कफ्ता बरफा फरमाया कोई अरफा च नहीं ठूठा रहा सुम काल आली नफर तैल मुजलफा फिर फरमाया मुजदलफे चला गया अरफात तो बाद मुजदलफे आया कुल तो नाम काल रायत मशर हराम फरमाया उत्थे मशर हराम वेख्या अरफा सारा ही मैदान मुजदलफा मशर हराम है मगर वह जगह जिते हजूर पाक ठहरे थे तो पहाड़ जिसे कोल उन्होंने फरमाया ये मशर हराम हूँ जिते मर्जी ठहरो फरमाया मशर हराम भी नजर आया हुरमत वाला निशान जरा कुल तो नाम हाँ काला जिक्र तला जिक्र अंसा कमा सिवा हो फस्त गल था भाई और मशर हराम शोर मशर शोर चो निकलिया उत्थे फिर तेनू अल्लाह की याद आई और तू तो सिवा हर शायद भुल गया मशर ने जो इशारा करता मैं इतने खड़ा निशान मारा वा तेनों दवाई दे रहा कर शे अजीम दे मालिक नूं पहचान तेनों मशर हराम वेख के जिहड़ा शोर जला रहा सी अल्लाह याद आया और उस याद ने तेनों उस तो सिवा हर शायद भुला दिती सिर्फ खुदा याद रह गया और तू खुदा की मुहब्बत उस वे गर्क हो गया कोई नहीं सोचता सिवाय कुल तुला कोई नहीं काला माह वकफ्ता बिल मुजदलफा फिर मैं मुजदलफे फिर तू कोई नहीं ठहरिया ए सुनते जाओ ना मैनू योजा हज नसीब हो ना तुहानू आया सिर्फ तरले आया भी कोई थोड़ा बहुत जला मिल जाए सुम काल आली दखलता मिनन फिर मैं फिर दोबारा मिना च आया कुल तुनम हाँ काला जबहता जानवर दबा किया कुल तो नाम किया काला नफ्स है फरमाया जानवर दे नाल अपने आप नूं छुरी फेरी नफ्स दबा होया मैं मिट गई खुदा दे सामने खत्म हो गया कि अज तो बाद मैं शायद इत्थे कोई नहीं जो कहेंगा वो मैं तुसीं नमाज शुरू कर लगे हाथ उठाने रुकू नूं जाण लग्या ए किस तरह हाथ उठाने सामने की है खुदा दा घर काबा है यानी अल्लाह की जगह उहदा घर खड़ा जिवें सौं दवाई दी ना चुक कसम कर मूँह खाने काबे नूं मूँह ऐं दो हाथ चुके ऐत की लिखा ला हौला ऐत की लिखा वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह खाली हाथ हाथ चुक के कहता मैं ना कोई हौला है ना कोई मेरे पले कोई शायद ना जोर है ना ताकि कुछ नहीं सब तेरी इमदादर तो भी ए हर वेली हाथ उठाने रफा जान तद इस दीन की जीनत है और तद उलमाए इस्लाम हजरत उकबा बिन अमर दस नेकियां मिल दी जब तू उठाना दस उंगलां दस नेकियां क्योंकि तू इस नीयत ना उठाना मैं हाथ मेरे खाला तू खाली देख रहा केड़ी गल ते दावा करा केड़ी गल ते दस मैं करा दावा मेरा नहीं तू माल बेगाने आ मेरी कोई शायद होवे मैं कह ना मेरी मेरी कोई नहीं अल्लाह तेरा जिन्ना चिर तू देना तेरी मर्जी है जो चाहना तू वापस रह अपनी होवे तो रखना लवा और सिख ने जरा दया सिंह ने कहता भी जो मर लगता तुम सराने बैठे होंगे ना सूरा वाकया सारा मन रहा कि जो जान संघ चाहती है मान तुम ही ना इसम तमजोर तो कोई यह नहीं बाजार च मरिया तुम कोल बैठे होंगे क्यों नहीं मोड़ लेंगे अगर तुम सच्चे जो कोई हाकम नहीं तो अपना ही सारा बस मोड़ दिया करो जान फिर बेख्तियार क्यों उस वेले आंसू पेंदे तो रोंदे रह जांदे प्यो तुर जांदा मां तुर जांदी भरा तुर जांदे हैं फरौरा बलगल तिल हुकूमान तुम ही ना जन तंदरून वना अखरा बेले है मिनकुम वला किला तुम सिरू तुहानू नहीं नजर आउंदा तुहाडे तों असीं उसे ज्यादा नेड़े हुंदे आ तुसीं परां हुंदे जे असीं उहदी जान कबज कर रहे हैं तो मोड़ लो फिर जान उत्थे उस सिख ने कहता हुंदे अपने अपने कोल रेंदे जे अपने होंगे तो अपने को रेंदे जाने क्यों सी फिर अपनी शाह कोई जाता कि होंगे अपने अपने कोल रेंदे अखी अपनी वेख्या टुरद्या लगे पंद्रह मिनट ना दया सिंह पानी बच्चे पताशियां खुरद्या वेंदे ही रह गया टुर गया सवार होने तो कुचारा रह गया इस तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बई मैं खत्म कर शेखुल इस्लाम बिने तैमिया के शागिर्द बिने कईयां में जम्मुल वरा फरमाउंदा खलके खुदा सुनला जम्मल हवा ते रसाला लिया कि हवा जड़ी ना मैं कि मैं आ चाहना मैं आ करना वा ए मैं ही सारा फतबूर है सारे दिन की जड़ जड़ी इस वम्मा मन खाफा मकाम रब्बे वन नफसा ने लावा जरा रब की अदालत खड़ोन तो डर गया बे उदन हिसाब होना है मन मानिया कर रहा बनूंगा की फिर बचा लेंगे तू नफ्स मैनू वम्मा मन खाफा मकाम रब्बे वन नफसा ने लावा फाइनल जन्नत है अल्लाह ने की आख्या आई छुरी फेरने वाली गल त
ਤਦੇ ਮਾਮੇ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਚੁਰੀ ਫਿਰਦਾ